नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी इंजन 2 लीटर, 2.5 लीटर या 1.5 लीटर खा रहा है, जबकि इसकी औकात होती है 500 ml के नीचे? तो दोस्तों, इसके लिए क्या होता है कि हर चीज़ सही हो, फिर भी अगर आपकी जो ठोकर की एडजस्टिंग है वो अगर सही नहीं होगी तो आपका जो इंजन है वो डीजल हमेशा ज़्यादा खाएगा। अगर ठोकर ज़्यादा होगी तब भी दिक्कत आएगी, अगर ठोकर कम होगी तब भी ये दिक्कत आती रहेगी। इसलिए ठोकर को बहुत सही से एडजस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको हम बताते हैं कि जो ठोकर होती है उस पर आप कोई समतल चीज ले ले, रिंच ले ले या भी कोई पत्ती ले ले, तो वो इतना उठे कि 2 से 3 सिम का गैप उसमें बन जाए, क्योंकि इतना जंप जो पंप है वो मांगता है, अन्यथा आपका जो पंप है यानी कि प्लंजर है वो जाम हो जाएगा। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इसकी सिम है उसको सेट करें। दोस्तों, कुछ में सिम होता है, कुछ में जो है ठोकर एडजस्टेबल वाली होती है, तो उसमें भी यही होता है कि 2 से 3 सिम के बराबर गैप हर एक पंप में होना चाहिए। ये इंजन स्टार्ट होता था, हर चीज़ थी, लोड लेता था, लेकिन ये लगभग 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर तक जो है डीजल खपत कर जाता था। और इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता था कि इसमें कोई चीज़ पुरानी है, इसमें पंप भी अभी जल्दी कंपनी का पड़ा था। और इसकी मेन पहचान ये थी डीजल खाने की कि जब ये स्टार्ट होता था तो ये घुट घुट कर उठता था, हालांकि ये लोड लेता था, हर चीज़ थी, लेकिन उठने में थोड़ा टाइम लगता था। इससे ये पता चलता है कि जब पंप डीजल ज़्यादा देगा तो जो इंजन है वो जला नहीं पाएगा, फिर उसमें जो है इंजन के उठने में दिक्कत आने लगती है। मेन पहचान इसकी ये होती है, आप भी समझ लें कि इंजन की मेन पहचान क्या होती है कि वो डीजल ज़्यादा खाएगा, सबसे बड़ी पहचान होती है। और जो पंप है वो उसकी जो आवाज़ होती है बहुत ओवर होती है, जो एक कर की आवाज़ आती है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि प्लंजर जो है उसको तेल उसकी मतलब से ज़्यादा देता है, जिससे कि उसमें एक ये साउंड बनता है। अब इसमें जो सिम थी हमने एडजस्ट किया है, और इसके बाद में एक राउंड आप इंजन को बहुत ही आराम से जो है घुमा के देख लें, एक राउंड पूरा, जिससे क्या है प्लंजर आपका जाम ना हो रहा हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ध्यान ना देने पर प्लंजर जो है सीज हो जाता है। और दोस्तों, जब प्लंजर सीज हो जाता है वो प्लंजर फिर दोबारा काम नहीं कर सकता है, आप कोई भी कोशिश कर लें। इसलिए इंजन को हमेशा एक राउंड हाथ से या फिर हैंडल से बहुत ही आराम से घुमा कर देख लें कि प्लंजर आपको जो है पकड़ तो नहीं रहा है। डीजल इंजन जो होता है स्टार्ट होने के वक्त चाहे जो भी इंजन हो वो स्मोक करेगा ज़रूर कुछ सेकंड के लिए, जब तक वो रेस में नहीं लेगा। रेस लेने के बाद में वो स्मोक छोड़ देता है, कोई भी इंजन हो, डीजल इंजन। और इसके बाद में थोड़ा जो है इसको हम नोजल से भी एडजस्ट करेंगे।
क्योंकि क्या होता है जब इंजन सही से नहीं चलता है तो हर तरफ दिमाग जाता है, तो इसमें जो नोजल का अगर छेड़ दिया गया तो फिर आपकी जो है यूरेज कम हो जाती है और सही से नहीं आएगी। इसको क्या होता है इंजन स्टार्ट रखें और फिर इसका माइलेज सेट करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वॉच करने के लिए धन्यवाद। आओ भैया का हाल।